नाइन्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मुताला पाकिस्तान की क्लास में बाप चहारम कर रहे हैं। आज इस चैप्टर में जो सबसे अहम मौजू हम डिस्कस करेंगे वो है 1956 का आयन। ये आयन नए वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली की रहनुमाई में असेंबली ने बनाया था। उस वक़्त पाकिस्तान के सदर सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर मुकर्रर हुए। इस आइन की अहम दफ़ात 234 हैं, जबकि ये आइन मुल्क में 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। अब हम 1956 के आइन की अहम दफ़ात का जायज़ा लेंगे। सबसे पहला और अहम नुक्ता इसका ये है, बुनियादी शहरी हकूक़। बुनियादी शहरी हकूक़ हर शहरी का बुनियादी हक है और आइन ने तमाम शहरियों को ये हकूक़ दिए हैं, जिनमें जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, तहरीर और तकरीर की आज़ादी, इज्तमा की आज़ादी और हक़ मुलाज़मत तस्लीम किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी शहरी को भी इन बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, वोट देने का हक़। वोट देने का हक़ आइन ने हर बालिग़ शहरी को दिया है। हर वो शख्स जो 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र रखेगा वो मुल्क में होने वाले इंतखाबात में वोट देने का हक़ महफूज रखता है। आइन में कुछ अहम मरकज़ी इदारों का क़याम भी किया गया था, जिनमें दो अहम इदारे थे, कौमी इक्तिसादी कौंसिल और कौमी कमीशन। वफाकी और सूबाई हुकूमतें, यानी सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों को इन इदारों में नुमाइंदगी दी गई थी। इन इदारों का क़याम इसलिए किया गया था कि ये मुख्तलिफ़ मामलात में मुख्तलिफ़ किस्म के हकाइक़ को इकट्ठा करेंगी और अगर सूबाई या मरकज़ी हुकूमत को उसकी ज़रूरत होगी तो वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए उन तमाम हकाइक़ को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, वफाकी रियासत। आइन ने मुल्क को वफाकी रियासत करार दिया। वफाकी रियासत का मतलब ये होता है कि मरकज़ और सूबों के अलग अलग इख्तियारात होंगे। सूबों को अपनी हदूद में रहते हुए अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में आज़ादी होगी और एक फहरिस्त होगी मरकज़ के लिए, जिसके ऊपर वो कानून साजी कर सकेंगे। एक फहरिस्त होगी सूबों के लिए, जिसमें सूबे अपनी हदूद के अंदर रहकर कानून साजी कर सकते हैं और उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तीसरी फहरिस्त भी बनाई गई, जिसमें वो तमाम काम रखे गए जिस पर दोनों हुकूमतें कानून साजी कर सकेंगी। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को राइज किया गया। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में ज़्यादातर इख्तियारात पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर बनने वाले पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सदर को वसी इख्तियारात दिए गए। जैसे सदर को ये इख्तियार भी दिया गया कि वो कौमी असम्बली को तोड़ सकते हैं। ऐसे इख्तियारात के नतीजे में पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म हो जाती है। आइन में तरमीम। आइन में तरमीम का मतलब है कि अगर आइन में कोई तब्दीली लेकर आनी है तो उस तब्दीली के लिए नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली के दो तहाई अरकान उसकी हमायत करेंगे, उसकी मंजूरी देंगे, तो आइन में तब्दीली या तरमीम मुमकिन है।
इसके बाद हम देखेंगे 1956 के आइन की इस्लामी दफात। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इफ्तिताहिया, जिसमें ये कहा गया कि अल्लाह ताला हाकमियत आला का मालिक है और पाकिस्तान की अवाम इन तमाम इख्तियारात को एक मुकद्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और एक हद के अंदर रहकर जो अल्लाह ताला ने मुकरर की है उसके अंदर रहकर इन इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मुल्क का नाम। मुल्क का नाम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान रखा गया, जिससे ये वाज़े हो गया कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर बनने वाले तमाम कवानीन इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाए जाएंगे, बल्कि ये एक जम्हूरी रियासत भी है जहाँ पर अवाम को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने लिए नुमाइंदे मुंतखब करें जो उनके लिए हुकूमत का हिस्सा बनकर मुल्क का निज़ाम चलाने में मदद देंगे। सरबराहे मुमलिकत यानी कि मुल्क का सरबराह, इसके लिए शर्त रखी गई कि सदर का मुसलमान होना ज़रूरी है। ये शर्त इसलिए रखी गई क्योंकि हमने मुल्क का नाम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान रखा था, किसी भी इस्लामी मुल्क के सदर के लिए मुसलमान होना लाजमी है ताकि वहाँ पर इस्लाम को बुनियाद बनाकर कानून साजी की जा सके। इस्लामी कवानी आइन के मुताबिक ये कहा गया था कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाया जाएगा और जो पहले से बने हुए कवानीन हैं उनको भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाएगा। माशरती बुराइयां, आइन में कहा गया था कि माशरे में मौजूद तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए हकूमती सतह पर कोशिश की जाएगी और अहम बुराइयों का जायज़ा लिया गया तो उनमें सूद, असमत फरोशी, जुआ और शराब को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। सूद आपको पता है इस्लाम ने हराम करार दिया है। असमत फरोशी, जिसमें दूसरे अल्फाज में हम इसको ज़िना कहते हैं, जिसमें एक मर्द और औरत गैर कानूनी तौर पर ताल्लुकात रखते हैं। जुआ आपको पता है इस्लाम ने जुए को भी हराम करार दिया है और शराब को उम्मल खबाइस का दर्जा दिया गया है। लिहाजा आइन में कहा गया था कि इन तमाम माशरती बुराइयों के खात्मे के लिए हुकूमत इकदामात करेगी। ज़कात और औक़ाफ़ का बंदोबस्त। ज़कात एक इस्लामी टैक्स है जो साल में एक दफ़ा 2.5% के हिसाब से काटा जाता है और ये पैसा नादार और ग़रीब मुसलमानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औक़ाफ का जो डिपार्टमेंट है वो मसाजिद, मज़ार और वक्फ़ की गई इमारात का इंतज़ाम संभालता है। मुल्क में मौजूद तमाम मसाजिद, जो बड़े बड़े मज़ार हैं और जो वक्फ की गई इमारात हैं, जैसे कोई यतीम खाना या इसके अलावा कोई मदरसा, इस तरह की जो इमारतें हैं उनका इंतज़ाम संभालने के लिए औक़ाफ़ का इदारा बनाया गया है। लिहाजा आइन ने ज़कात और औक़ाफ़ का बंदोबस्त हकूमत के हवाले कर दिया। अगला पॉइंट है फलाही रियासत। फलाही रियासत का मतलब है कि एक ऐसी रियासत जहाँ पर मज़दूरों के औकात कार बेहतर बनाए जाएंगे, जहाँ पर फलाह बहबूद का काम किया जाएगा, जैसे मज़दूरों के लिए उनके जो काम करने के औकात हैं वो मुकरर किए जाएंगे, इसके अलावा तालीम और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाएंगी और बुनियादी ज़रूरियात रोटी
कपड़ा और मकान, इनको पूरा करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। इसके अलावा इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में भी आइन ने वजाहत कर दी। आइन ने कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद इस्लाम है। लिहाजा कभी भी किसी इस्लामी मुल्क को भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान इन दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर उस मुल्क की मदद करने में पीछे नहीं रहेगा। अक़लियतों के हकूक़, आइन ने अक़लियतों के हकूक़ की ज़िम्मेदारी भी उठाई थी। इसमें ये कहा गया कि अक़लियतों को उनके बुनियादी हकूक़ फ़राहम किए जाएंगे, जैसे उनको मज़हबी आज़ादी है, वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनको माशरती आज़ादी दी गई कि माशरे में रहते हुए वो तमाम हकूक़ जो किसी भी मुसलमान को हासिल होंगे वो किसी भी अक़लियती नुमाइंदे को दिए जाएंगे। सियासी आज़ादी, जिसमें ये कहा गया कि जब इंतखाबात होंगे तो उसमें अक़लियतों के लिए भी नशस्तें कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में मखसूस की जाएंगी ताकि उनकी नुमाइंदगी भी हो सके। ये तमाम अहम दफ़ात जो आइन ने पेश की थी, इनके ऊपर अमल दरामद किया गया, मगर ये आइन ज़्यादा अरसा ना चल सका। तकरीबन 2.5 साल के बाद इस आइन को मनसूख कर दिया गया। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, जो मुल्क के पहले सदर भी मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने वक्तन फवक्तन 4 वज़राए आज़म को बरतरफ कर दिया। वो अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस आइन को मनसूख कर दिया। 7 अक्टूबर 1958 को इस आइन को मनसूख कर दिया और आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को बुलाकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। इस तरह से मुल्क में बनने वाला पहला आइन सिर्फ 2.5 साल तक चल सका। शुक्रिया।